आपको बता दें, कंगना रनौत की गैर मौजूदगी में बीएमसी ने उनके ऑफिस में हुए कथित अवैध निर्माण को गिरा दिया। भारी सुरक्षा के बीच कंगना मुंबई पहुंची और अपने ऑफिस गई। वहां उन्होंने बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई की वीडियो लोगों के बीच शेयर की, जिसके बाद लोग बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आए। कंगना अब अपने मुंबई स्थित फ्लैट में है। बीएमसी ने उन्हें होम क्वारंटीन में छूट दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुंबई में नियम है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा, लेकिन कंगना को क्वारंटीन रहने की ज़रूरत नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि बीएमसी ने कंगना को 14 दिनों के होम क्वारंटीन की नियमों से छूट दी है। राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को नियमानुसार होम क्वारंटीन में रहना होता है, लेकिन बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रनौत ने होम क्वारंटीन के नियम से छूट की मांग करते हुए एक ऑनलाइन आवेदन दिया था, क्योंकि वो यहाँ काम के पर्पस से आई है। अधिकारी ने कहा, वो यहाँ एक सप्ताह से भी कम समय रहने वाली है, इसलिए उन्हें होम क्वारंटीन के तहत छूट दी गई है। एक अधिकारी के मुताबिक कंगना 14 सितंबर को मुंबई से जाएंगी। कंगना रनौत बुधवार हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित अपने गांव से मुंबई पहुंची हैं। उन्होंने गांव से निकलने के दौरान कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल और उनके एक सहयोगी भी हैं। इन दोनों ने भी कोरोना टेस्ट करवाया था और इनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।